सुहाग जोशी, डायरेक्टर यूनिकेयर हॉस्पिटल देवगांव। मैं यहाँ एज अ डायरेक्टर काम करता हूँ। सोमवार के दिन शाम के टाइम तकरीबन 7:45 पे एक 70 से 75 के बीच की एक वृद्धा हमारे पास आई, जिसको जांच करते हमको पता चल गया है कि इसका जो वाइटल पैरामीटर्स है, जैसे पल्स है, बीपी है, रेस्पिरेशन है, सब बंद पड़ चुका है। हमने तुरंत से उसको CPR चालू किया। उनके जो रिलेटिव्स थे उनको हमने काउंसलिंग किया कि वृद्धा ऑलमोस्ट सब उसका पैरामीटर्स बंद पड़ चुका है, लेकिन फिर भी अगर हम इमरजेंसी रिसक्सिटेशन करते हैं तो कुछ चांसेस हो सकते हैं। उनकी काउंसलिंग के बाद हमने 15-20 मिनट्स के लिए पूरा रिसक्सिटेशन किया, उसको शॉक थेरेपी दिया, उसको सलाइन लगा के इंजेक्शन दिए, जैसे कि एड्रेनलिन एट्रोपिन वगैरह इंजेक्शन दिए, उसको CPR दिया, लेकिन जैसे 20 मिनट तक उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद उसका जो एक नेफ्यू है तुषार चौहान बोल के, वो हमारे हॉस्पिटल में आया और ज़ोर ज़ोर से गाली देने लगा और चिल्लाने लगा। हमारा जो स्टाफ है उसको ढकेलने का, उस पर हाथ उठाने का, मारने का, हमारा जो ओपीडी का दरवाज़ा है उस पर लात मारने का, कांच का दरवाज़ा है उस पर लात मारने का और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने का ऐसा कर रहा था। ये अगर हमारा इधर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हमारा स्टाफ 10 बार सोचेगा कि इसको लेने का है कि नहीं लेने का है। FIR फाइल किया है, उसका कॉपी भी है मेरे पास, और वो FIR अभी उसका ऑनगोइंग है, प्रोसेस है। देवगाव में यूनिक्योर हॉस्पिटल है। वहाँ एक वयोवृद्ध महिला है, लेडी है, वो बेशुद्ध अवस्था में हॉस्पिटल में लेके गई। तो डॉक्टर उसको तपासने के दरमियान वो मयत, उसको मयत घोषित किया। तो उसका जो पोता है वो उधर दंगा करने लगा, डॉक्टर को गाली गलौज करने लगा और स्टाफ को मारने लगा। इसके खिलाफ डॉक्टर जोशी ने देवरोड पुलिस स्टेशन को FIR दर्ज किया। उस FIR के तहत हमने तहकीकात शुरू किया और आज उस आरोपी तुषार सुरेश चौहान को अरेस्ट करके अधिक कार्रवाई कर रही है उसकी इस मामले में।